स्वागत आपका फिर से नए ब्लॉग में। और आज तुम्हारा भाई, ए चुप, देख नहीं रहे यहाँ कुछ काम चल रहा है? तो भाई आज तुम्हारा भाई लेकर चल रहा हूँ तुम्हें कहाँ, जब लेकर चलूंगा जब ही बताऊंगा कहाँ, ठीक है? तो भाई तुम्हारा भाई आप पहले इसके धोरा, इसे लेकर चलेगा तुम्हारा भाई गैल। इसके बिना तो मेरे ब्लॉग अधूरे ही रह रहे। मैं थोड़े 2 घंटा सो का हूँ, है कोई बात है, जब वहीं सुहा दूंगा वहीं, पूरी लंबी हुआ है सोफा गिर रहा हूँ। आ फटाफट चल जल्दी। तो भाई आप सब लोग सोच रहे होंगे कि हम जा घूम रहे हैं, है ना? तो भाई आज हम जा रहे हैं डांस क्लास में डांस सीखने, जो कि आज तक जब से पैदा हुए साढ़ा आज तक डांस क्लास में हमने कदम नहीं रखा है, ठीक है? और आज रखेंगे। तो जाते हैं, देखते हैं कोचिंग वाले से बात करके, और आज ट्राई करते हैं डांस करने का, कैसा रहता है एक्सपीरियंस, कैसा नहीं रहता है। अगर बातचीत समझ में आ जाएगी या मन कर जाएगा तो अपना रेगुलर देख लेंगे, वरना भाई एक्सपीरियंस लेके आ जाएंगे, हैं क्या दिक्कत है? बाकी एक दोस्त है वहीं कहीं, तो उसी के थ्रू जा रहे हैं, और उसी के थ्रू ही वो कोचिंग मिली है, वहीं जा रहे हैं। वरना तो भाई दुनिया भर गया, जाने की थोड़ी हिम्मत ही ना पड़ती। तो अभी बस ही आ रहा है जूतों तो पैर का, और चल रहे हैं अपना वहीं कोचिंग में ही। तो भाई आ गए मुखर्जी नगर में, और बस इंतजार है उस दोस्त का, वो भी आ रहा है रास्ते में ही है। उसके आते ही फिर चलते हैं कोचिंग में अंदर, फिर ना कह फिर मटका दे ठुमके। We'll be right back.
डांस कर करके आ चुके पसीने, और अगर लगातार मैंने एक महीने डांस कर लिया ना तो ये लगा लो मेरा कम से कम 8 से 10 किलो वजन ऐसे ही लूज हो जाएगा। ठीक, और ये वाइट शर्ट में ना ये हमारे मित्र, ये साढ़े लेट आए हैं और इनके चक्कर में हमें पहले डांस करना पड़ गया। ये आए हैं पूरे आधे घंटे लेट, और जो ये मैडम है ये हमारी टीचर, ये से आए तो ये हमारी टीचर है। और अब भाई कोचिंग के मतलब मास्टर को ये पूछ रहा है कि डेली आओगे क्या नहीं, अब इनको क्या बताएं हम डेली आएंगे नहीं आएंगे। बाकी अभी चल रहे हैं बाहर, क्लास हो चुकी है ख़त्म, एक घंटा हो चुका पूरा। भाई डांस करके निकले अभी बाहर, इतना तो करा नहीं साढ़े 9 और 5:30 के निकले थे हम, वो पहले दूध की डिब्बी रखी, अब लाए दूध तो अब जा रहे हैं घर, घर वालों का रिएक्शन देखेंगे क्या होता है इतनी देर में, मतलब 5:30 से 9:30 कितनी देर होगी भाई, 8 घंटे, तो 4 घंटे के आसपास हो गए। तो भाई आज फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा जल्दी जाना पड़ा और थोड़ा लेट निकलना पड़ा, तो इस चक्कर में कल से कंटिन्यू करेंगे। कल संडे, कल छुट्टियाँ, मंडे तक करेंगे। हाँ, मंडे को अगर नींद खुल गई तो फिर देखेंगे। तो बहुत क्योंकि वंश रहन दे, हाँ तू रहन दे, तो भाई अभी घर चलते हैं, मम्मी का रिएक्शन देखेगा, मम्मी भाग लेगा वक्त तक भाई, इसको पैदल लेगा मैं कम से कम 7 किलोमीटर ये लगा लो, भाग लेगा तू 7 किलोमीटर इतना मैं जिंदगी में चला पैदल, हाँ वैष्णो देवी जब चला इसको 7 किलोमीटर पैदल चला दिया। अभी बस चल रहे हैं घर और घर चल के मम्मी का रिएक्शन देखेंगे। तो भाई आ गऊँ घर और घर में अभी मिला नहीं है कोई, तो मैं चुपचाप बैठ चुका हूँ घर में, अभी देखते हैं मम्मी आएगी क्या कहेगी। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, कैसा लगा बता देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल कर देना सब्सक्राइब, राम राम जी। और बाकी देखते हैं डेली का कंटिन्यू करें या नहीं करें, बाकी आप बता देना भाई मेरे को कि मेरे को कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, राम राम जी।